हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। और आज मैं हूँ अपने गांव रामनगर में, आपको दिखाएंगे आज हम अपने गांव को। बहुत ही खूबसूरत गांव है ये, और साथ में हम आज आउटडोर कुकिंग करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है मैं हूँ एडवेंचर प्रेमी और बिना एडवेंचर के मुझे कोई काम करना नहीं आता है। ठीक है, ब्लॉगिंग भी होगी साथ में, लेकिन एडवेंचर का तड़का भी लगेगा। और हाँ, ये जितनी भी कुकिंग होने वाली है ना, सारी की सारी ऑर्गेनिक होने वाली है। ठीक है, हम कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करेंगे जिसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ हो। रात्रे चल रहे हैं, सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं कुछ नॉन वेजिटेरियन बनाने वाला हूँ वेजिटेरियन ही। ठीक है, और सारा का सारा यहीं से कलेक्ट करूँगा अपने फार्म से। तो भाई ये ले लिए मैंने थाली, इसको थाली बोलते, प्लेट नहीं बोलते। ठीक है, और इसमें है चाकू या नाइफ, कुछ भी बोल सकते हो इसको। और ये है हमारे घर का बैकयार्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गुट्टी होती है उसके फूल लगे हुए हैं, लेकिन अभी लगे नहीं हैं, लगने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने कम से कम भी कोई 2-2.5 महीने पहले ना एक बीज बोया था, वो था लेडी फिंगर का, भिंडी जिसको बोलते हैं। और आज हम यहीं से भिंडी कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और देख सकते हैं आप किस तरह की भिंडी है भाई, बहुत बड़ी बड़ी। चलो आप पहले सिनेमैटिक शॉट देख लो इसके। ये जो भिंडी है ना, ये अलग होती है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी है कितनी बड़ी बड़ी। और इसको देसी भिंडी बोलते हैं। जो दूसरी वाली होती है ना, वो कुछ डार्क ग्रीन होती है, और ये थोड़ी कम ग्रीन होती है। तो चलो फिर इसको काटते हैं, फिर उसके बाद हम आग जलाएंगे, और उसके बाद मैं ही खुद आटा गूंथूंगा, क्योंकि मेरे घर पर कोई भी नहीं है। आने वाले हैं मेरे घर वाले, पर वो थोड़ी लेट आएंगे, तब तक मैं खाना वगैरह सेट कर दूंगा। तो एग्जैक्टली इतनी सी भिंडियाँ हमको मिल गई हैं, और हमने चाकू ला लिया और ला लिया प्याज। अब हम लाएंगे मिर्ची। ठीक है, जैसे कि हमने बोला था कि ये सारा का सारा ऑर्गेनिक होने वाला है, तो तभी हम ये वाली भिंडी यूज़ कर रहे हैं। ये हैं मिर्चें, थोड़ी सी यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा डॉग भी आ गया है, जिसका नाम है जॉडी। और ये जो है ना, ये बंदा, ये आपने मराड़ा माता वाली वीडियो में पक्का देखा होगा, इसका नाम है सुरजीत। और वहाँ पर आप एक प्यारा सा व्यू देख सकते हो, वो देखो। पर अब बादल इसको घेर चुके हैं, तभी ये दिख नहीं रहा। चलो हम अपनी वीडियो पे फोकस करते हैं। तो ये काट लेते हैं इनके। ठीक है, ये प्याज और मिर्चें कहाँ रखी मैंने यार। हाँ, मिर्चें तो पॉकेट में रहेगी। ये आ गई मिर्चें, अब हम इनको करेंगे चॉप। ये काट दिया हमने, रुक जाओ फोकस करते हैं। हाँ, तो ये कट गया हमारा प्याज, साथ में भिंडी और साथ में मिर्ची। और अभी हम जलाएंगे आग। तो आग जलाने की जगह देखते हैं, या फिर हमारी जो देसी जो रसोई होती है वहाँ पे चलते हैं। कुकिंग की तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन हमने आपको अपना प्यारा सा गाँव नहीं दिखाया। और ये हमारा जॉनी, इससे तो आप मिल चुके हो। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे अपना सुंदर सा गाँव। ये देख लीजिए, ये बहुत बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, और बीच में हमारा एक घर है। और ये सारी की सारी ज़मीन हमारी है, ये नीचे समझ लो, वो ऊपर देख रहे हो वहाँ से, और नीचे जहाँ तक रिवर है ना, वहाँ तक सारी ज़मीन हमारी है। एग्जैक्टली मेरे दो घर हैं, एक यहाँ पे रामनगर में और एक उधमपुर में। शहर मेरे को ज़्यादा पसंद है नहीं, और मेरे को मैक्सिमम ना गांव में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे खुली हवा है, ठीक है, नेचर, मज़ा आता है यहाँ पे रहने का। ये माउंटेन रेंजेस देख रहे हो ना, ये सारी की सारी हिमालयाज़ में आती है। लकड़ी जोड़ रहे हैं, बस आग जलानी है, और उसके बाद शुरू करते हैं खाने की तैयारी। मैं 3 पत्थर लेके आ चुका हूँ, और बस अब हमने इसको चूल्हे में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हमने सब्जी वगैरह तड़कनी है। तो जल्दी से मैं करता हूँ, क्योंकि बारिश भी आने वाली है, आवाज़ हो रही है गड़गड़ की, बादल गरज रहे हैं, और मैं नहीं चाहता मेरी सारी की सारी आउटसाइड कुकिंग की जो प्रेपरेशन है वो ख़राब हो जाए। तो जल्दी से बनाते हैं चूल्हा, और फिर सब्जी तड़कते हैं। ठीक है, चूल्हा बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे है बिल्कुल कॉर्नर में, यहाँ से व्यू देख सकते हो आप। वाह, कितना खूबसूरत है ना, और बादल गरज रहे हैं भाई। सबसे ख़तरनाक काम जो कि आग होती है, वो हमने जला ली है। अब बस
थोड़ी सी ये जल जाए और उसके बाद हम इसके ऊपर कढ़ाई रख देंगे। यहाँ पर जो भी आप सामान देख रहे हो ना, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। हल्दी इसमें ऑर्गेनिक पड़ी हुई है, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे हम दो चीज़ें जो कि समझ लो बाहर की ऐड कर रहे हैं, वो है एक ये ऑयल, ठीक है, और इसमें जो नमक है, बस। अभी हम बनाएंगे सब्जी और उसके बाद बनाएंगे फुलके। भाई ये डाल दिया हमने तेल, और ये वाला मैं बर्तन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हम बाहर आउटसाइड कुकिंग करते हैं तो जो आग से क्या होता है कि ये ब्लैक हो जाता है, और फिर हम हर बार तो अलग नया यूज़ कर नहीं सकते जिससे वो भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली यार अभी तेल गर्म नहीं हुआ है पर आग तो बड़ी ज़्यादा लगी हुई है, पता नहीं क्या चक्कर है, पर हम लेट हो चुके हैं इस टाइम। और अब मेरे को ना उस वाली किचन की याद आ रही है, अंदर वाली रूम की किचन की याद आ रही है, और एक डॉगी और आ चुका है ब्लैक वाला। भाई हो जा अब गर्म जल्दी से। ये डाल दिया प्याज हमने, भिंडी को लग चुका है तड़का, और आग भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, और ये नहीं हो हमारी ये भिंडी ख़राब कर दे। थोड़ा प्याज ज़्यादा भूज चुका है मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं, बट टेस्ट इसका बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। और इस तरह का सेटअप है कुछ हमारा, देखो कितनी अच्छी आग चल रही है, और इसमें से हमने सिर्फ नमक और हल्दी यूज़ की। और यहाँ पर देखो आप कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं, वाह यार। स्ट्रगल भाई स्ट्रगल, लगता है मेरे घर वाले आ गए क्योंकि बाइक की आवाज़ भी देखते हैं। तो भाई इनसे मिलिए, ये है शिव, और प्यार से हम इसको बूशी भी बुलाते हैं, और ये है मेरे भाई का लड़का। दरअसल मेरे कुछ घर वाले उधमपुर में रहते हैं और कुछ घर वाले इधर भी रहते हैं ताकि दोनों घर चल सके। और ये देख लीजिए इसको थोड़ा जुकाम लग गया है। क्या बोल रहा है। और अब थोड़ी देर बाद हम फुलके बनाएंगे, भाई अब बनाएंगे हम फुलके। ये है आटा और ये है बेलन और चकला, अब हम गूंदेंगे आटा। ये बन के रेडी और कुछ इस तरह की है। गूंदे आटा है? आटा गूंदे ये आ गया चकला, और अब हम डालेंगे इसमें पानी ऐसे। यो आटा हो गया। हाँ बोलो। आटा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको लगाएंगे फ्रिज में, ठीक है, और उसके बाद ये बनाने के लिए रेडी होगा। तो अब शुरू हो गया फुलके बनाने की तैयारी। ये रहा आटा, थोड़ा फ्रिज में रखा था ठंडा हो गया, और ये आ गया चकला बेलन जो भी है। इसकी हालत नहीं देखना क्योंकि मेरे घर वाले 2-3 दिन हो गए थे गए हुए, और मैंने मतलब ऐसे ही घूमता था मैं, ठीक है। और ये है तवा, ये बाहर जो यूज़ होता है वो वाला तवा। भाई हंसना मत यार फुलके देख के, क्योंकि मेरे से ऐसे थोड़े डिंगे त्रेडे फुलके बनते हैं, कुछ इंडिया की मैप की तरह, कुछ यूनाइटेड किंगडम की तरह, ठीक है। ये ले लिए पेड़ा और इसको हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये बनाएंगे अब हम फुलके। ये फुलका जाएगा चूल्हे के बीच में, यार इधर अंधेरा हो चुका है, और ये फूलने लगा भाई फुलका, देखो कैसे फूल रहा है। ये तो है आग के फुलके का मजा। ओ सॉरी, देखो कितने अच्छे से फूल रहा है भाई, ये मैंने बनाया।
ये बनाया मैंने फुलका देख सकते हो आप, राउंड शेप है, इसी तरह का बनता है मेरे से। तो भाई ये है भिंडी, ठीक है, जो हमने बनाई बिल्कुल ऑर्गेनिक, और ये हैं फुलके, साथ में अचार आम का, और ये हैं ब्लैक चने जो कि बॉइल्ड है। खाना पीना हो चुका है और अब हम सोने वाले हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।